एक अरसे से फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में देने वाले रामगोपाल वर्मा पर अब भी संजय दत्त को पूरा भरोसा है। उन्हें उम्मीद है कि रामगोपाल वर्मा जल्दी ही एक बड़ी हिट के साथ लौटेंगे। संजय मानते हैं कि हिट और फ्लॉप जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं कहता हूं कि वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और हमेशा हमें देखिए हर इंसान के जिंदगी में फ्लॉप्स आते हैं, हिट्स आती हैं, तो एक या दो फ्लॉप से उसको राइट ऑफ नहीं किया जाता, आई फील। एंड अगर आप यू हैव एवरीबॉडी हैज एंजॉयड राम गोपाल वर्मा अदर फिल्म्स, जैसे कि सत्या हो या कंपनी हो या सरकार हो या जो भी पिक्चरें उसने हिट बनाई है, रंगीला हो, तो मतलब कि एक आदमी को राइट ऑफ इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए आई फील, क्योंकि हर आदमी हर डायरेक्टर मेहनत करता है, मेहनत से पिक्चर बनाता है। फिल्म डिपार्टमेंट के प्रमोशन के दौरान संजय ने अपनी एक ऐसी ख्वाहिश भी बताई जो उनकी अगली फिल्म से जुड़ी है। चले अमरीका इज नॉट बीइंग मेड एनीवे, तो मतलब कि देयर इज अनदर फिल्म व्हिच दे आर राइटिंग, एंड मैंने भी ऐसा सुना कि राजू नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अर्शद की तरफ से भी कहना चाहूँगा कि हम लोग तो चाहते हैं कि राजू ये एक थर्ड पार्ट मुन्ना भाई का करके, फिर चाहे अगर नहीं करना चाहे तो दूसरी बात है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि राजू ही ये डायरेक्टर है। संजय दत्त ने करीब 15 साल पहले राम गोपाल वर्मा के साथ फिल्म दौड़ में काम किया था, और अब फिल्म डिपार्टमेंट में एक बार फिर संजय और राम गोपाल वर्मा साथ काम कर रहे हैं। जहां संजय दत्त की फिल्म सत्ते पे सत्ता के रीमेक को फिलहाल टाल दिया गया है, तो मुन्ना भाई की आत्मकथा अगले साल रिलीज होगी।